जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे या अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई को है जो है जारी रख पा रहे होंगे, मतलब आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू दो तीन दिन से वीडियो बना पाने में असमर्थ रहा। अब उसके कई कारण थे, मतलब उसके लिए मैं यहाँ पर रीजन बताने नहीं आया हूँ। थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था, मतलब मेरी भी पर्सनल लाइफ है यार, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मेरी जो है वीडियो है वह कंटिन्यू एक एक वीडियो जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे करके अपलोड होती रहेगी। तो आज मैं यही आप लोगों से बताने वाला हूँ कि आज जो था, आज मैंने अपने यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ था अपने इस अकेडमी में और कुछ बच्चे आए थे, मैंने पेपर वगैरह जनरेट करवाया। उस पेपर को मैंने आप लोगों को, यदि चाहते हैं जो लोग भी उस पेपर को चाहते हैं कि क्या था, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मुझसे वो पेपर मांग सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो देखिए, आज बच्चों ने आज के टेस्ट में बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जिनके नंबर जो अंक हैं कल मैं एक डायरेक्टली वीडियो के थ्रू अनाउंस कर दूंगा कि क्या है, मतलब पूरी सिचुएशन क्या, कितने के नंबर, कौन कौन बारा, कैसा क्या सिचुएशन हुआ, सारी चीजें कल मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैं आज यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ और उससे पहले अनाउंसमेंट क्या है ये सारी बातों को हम सीखेंगे ही, यहाँ पर जानेंगे ही। उससे पहले यह बात हम कर लेते हैं कि देखिए अनाउंसमेंट जो है हमारा, अगर आप लोग इस जो अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में बेहतर जानकारी आगे और प्रोवाइड करना मतलब चाह रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज हम समझते हैं कि जैसा कि हमारा जो SSC CHSL 2021 है, यानी कि जो हमारा SSC का फॉर्म निकला हुआ है SSC 2021 2021 का, इसमें क्या है कि अभी तक ये नोन पैटर्न पर है, मतलब हम लोग जो पैटर्न जानते हैं, जैसा कि समझते हैं, जैसा कि पिछले होता था, मतलब पीछे होता था कि एक पेपर होता था प्री जो कि ऑनलाइन होता था, दूसरा होता था मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें हो जाती थी, डायरेक्टली SSC भर्ती ले लिया करती थी। अब क्या हो रहा है कि अब इसके स्थान पर सेफ्ट का पेपर होगा, यानी कि CET यह पेपर हो जाएगा और ये हर 6 महीने पर वैकेंसी इसकी निकलेगी। हर 6 महीने पर जो मतलब इसका एक नंबर होगा, सेट होगा, पूर्णांक सेट होगा, उसमें से आप कितना भी नंबर पाए इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो वैकेंसियां निकलेंगी वो सेट में आप कितना, जैसे आप लोगों को ये TT सुने होंगे, TET टीचर के पेपर के लिए अगर TT पास होना जरूरी होता है, वैसे ही SSC CHSL रेलवे व बैंक की जॉब के लिए आपको सेट पास होना जरूरी होगा। इसमें आपका जितना नंबर आएगा उसी बेस पर गवर्नमेंट जॉब जो थी, मतलब जो नौकरियां थी, यानी कि SSC CHSL रेलवे, RRB NTPC और बैंक जो था, ये तीनों क्या करेगा कि अब बता देगा कि अगर आपका सेट में इतना नंबर है तो आप लोग आइए और अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो अलग अलग तीनों का प्री करवाती थी, मतलब रेलवे का अलग होता था और उसका बैंक का अलग होता था, SSC का अलग प्री होता था, वो अब खत्म हो रहा है। मतलब इस बार तो वही होगा लेकिन अगली बार जो हमारा फॉर्म निकलेगा उसमें सेट का पेपर आप लोगों को क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो यार उसका वेट क्यों कीजिए, मेहनत कीजिए, इस बार ही निकालिए ना SSC CHSL। और उसके लिए आप लोगों को करना सिर्फ इतना काम है कि मैं एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हूँ, SSC CHSL की तैयारी में वहां से कर रहा हूँ, काफी अच्छा कोचिंग सेंटर है, जो भी पढ़ाते हैं वो लोग मुझे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाता है और मैं जो जिस तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मतलब उसी तरीके से सेम टाइप मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो वही चीज पढ़ाऊं, तो क्या ठीक रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस बेस पर मैं अपनी SSC CHSL की जो क्लास है वो कंटिन्यू को स्टार्ट करूंगा, मैं वहां जो पढ़ाया जाएगा तुरंत आके यहाँ पढ़ाऊंगा। इससे मेरा दो फायदा होगा, आप लोगों का भी कई फायदे हैं इसमें, देखिए क्या क्या फायदा है। मैं वहां पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ा, फिर जब यहाँ पढ़ाया तो वो टॉपिक मेरी क्लियर हो गई, सिंपल सा सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, वाच करेंगे तो मेरा वाच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं यूट्यूब से पैसे भी अर्न करने लगूंगा। मेरे दो फायदे, आपके क्या क्या? सबसे पहली जो आपका फायदा है, कोचिंग सेंटर जो जाने आने का टाइम है वो बचेगा। दूसरा जो आपका फायदा है, कोचिंग सेंटर में लगने वाली फीस आपकी बच जाएगी। और जो कोचिंग सेंटर में आपको समझ में आए ना समझ में आए, इतनी भीड़ रहती है वहां पर, इतने लोग रहते हैं, सारी चीजें मतलब आप वहां पर मतलब बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, स्टार्टिंग से नहीं होगा वहां पर सिलेबस। अब मैं जो यहां पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेस से सिलेबस को यहां पर चलाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी बातें मैं यहां पर धीरे धीरे करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कई फायदे, मतलब 3-4 फायदे आप लोगों के भी हैं।
इस सिचुएशन, इस सारी मतलब भावनाओं को, सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया है कि अब अपने इस चैनल पर एसएससी सीएचएसएल आरआरबी एनटीपीसी व बैंक मतलब वहां पर भी तीनों को कंबाइन करके पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि तीनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, एक इंग्लिश का थोड़ा अलग हो जाता है और उसमें हिंदी वगैरह मतलब कुछ ऐड हो जाते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कुछ सिलेबस को तो एक ही है, मतलब मैक्सिमम सिलेबस एक है, जैसे मैथ का और जीएस का और इसका आईटी का इंटेलिजेंस टेस्ट का, ये सारी चीजें तो एक ही है, तो ये सारी चीजें तो कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। और इसीलिए इन सभी चीजों के लिए यानी कि SSC CHSL 2021 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ चले आइए, आरआरबी एनटीपीसी की, रेलवे की प्रिपरेशन, बैंक की प्रिपरेशन, आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, तो आप लोग अंश 5G अकेडमी के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंश 5G अकेडमी के साथ जुड़ सके। मैं आप लोगों से पहले ही एक बात बता चुका हूं कि मुझे जो वहां बताया जाएगा सेम चीज मैं आके आप लोगों को यहां बताऊंगा, उसमें कुछ मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा, इससे कई फायदे होंगे, कई सारी चीजें यहां पर होने वाली है, कई सारी चीजें यहां पर घटित। और एक बात मैं आज यहां विशेष बताना चाहता हूं कि जो SSC CHSL का फॉर्म है 2021 का, ये अभी चल रहा है, इसका पेपर लगभग शायद 12 अप्रैल या 14 अप्रैल को होना है, मतलब अभी अगर आज से अभी तक आप लोगों ने तनिक भी कुछ नहीं पढ़ा है, कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप लोग जरूर जुड़िए अंश 5G अकेडमी के साथ, क्योंकि मैं अप्रैल तक इसका कंप्लीट सिलेबस जो है आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे कोचिंग वाले भी यही वादा कर रहे हैं कि वो भी मुझे कंप्लीट अप्रैल तक सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, तो सेम उसी तरीके से मैं भी आप लोगों को अप्रैल तक कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग यह बात जान लीजिए कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको अंश 5G अकेडमी के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते हैं अभी, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्टिंग करनी है, तो यहां पर मैं अपने इस चैनल पर जीरो लेवल से स्टार्ट कराकर आप लोगों को हीरो लेवल तक बनाऊंगा, हीरो बनाऊंगा, जीरो से शुरू करके हीरो बनाऊंगा। वो लोग क्या हुए जो हीरो को हीरो बनाए, वो मतलब हीरो तो वो हुआ जिसने जीरो को हीरो बनाया, मान लीजिए ये बात, हीरो तो वो हुआ जिसने जीरो को हीरो बनाया। अगर कोई बच्चा है वो तेज पहले से ही है, अगर आपने उसको भर्ती कराया तो आपकी महानता नहीं उसमें, उसमें बच्चे की मेहनत है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जीरो लेवल पर था उसको आपने हीरो बनाया तो आपका जीवन भर वह एहसान मानेगा और आपकी महानता भी उसी में गिनी जाएगी। तो इस बात को आप लोग नोट कीजिए और अंश 5G अकेडमी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज से ही जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने प्रिपरेशन की है पहले या नहीं की है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जीरो लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक अंत लेवल से SSC CHSL की स्टार्टिंग जो है यहाँ पर कर रहा हूँ 2021 की। तो आई होप आप सभी को यह अनाउंसमेंट जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को यह मेरी जो बात है यह पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, मैं SSC CHSL आरआरबी एनटीपीसी तथा बैंक की मतलब जितनी भी क्लासें हैं वो सब यहां पर अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक बहुत ही आराम से, बहुत ढंग से पहुंचती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।